मेरा नाम सुयश है और मैं जर्नलिज्म का एक स्टूडेंट हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरी राय पूछी जाए जर्नलिज्म के बारे में, इंडियन जर्नलिज्म के बारे में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर हो सकते हैं। मेरे हिसाब से चार ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं कि अगर हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं तो हम और बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसकी रैंकिंग। इंडियन जर्नलिज्म बेहद तेजी के साथ अपने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के पिछले स्तर से और बुरी तरह एक बुरे स्तर पर गिर चुकी है। हमें उसको किसी ना किसी तरह और ऊपर लेके जाना है, जिसका एक तरीका यही है कि हमारे जर्नलिस्ट थोड़े और रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, अपने न्यूज़ डिलीवरी स्टाइल को थोड़ा और प्रोफेशनल कर लें और एकदम टू द पॉइंट एंड टू द फैक्ट्स हमें न्यूज़ प्रोवाइड करें। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है न्यूज़ टैम्परिंग। अगर मैं आपसे कहूं मैं एक पोस्टमैन हूं, मैं आपके घर पे आपका एक खत लेके आया हूं जिसको मैं रास्ते में मैंने खोल लिया है, उसके अंदर के जितने भी कंटेंट्स हैं उन सबको मैंने टैम्पर कर दिया है, क्या आप उस खत को एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप मेरी कंपनी से मेरी कंप्लेन नहीं करेंगे कि मैंने आपके प्रोडक्ट को, आपके लेटर को, आपके मनी ऑर्डर को टैम्पर कर दिया है? हमारी मीडिया भी कुछ इसी तरह काम कर रही है। वो हमें खबरें जो मिलनी चाहिए उसको इतना बुरी तरह टैम्पर कर रही है कि हम उस खबर की रेलेवेंस को ही नहीं समझ पाते, हम उस खबर की गहराई तक ही नहीं पहुंच पाते। हम उसके आसपास बातें करते हैं, उसके आसपास जितनी भी चीजें होती है वो सोचते हैं और फिर एक मुद्दे पे, एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं जो कि सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये एक चीज है जिसपे हमें काम करना है, बीइंग अ मीडिया लिटरेट ऑडियंस एंड बीइंग अ इंडियन मीडिया जर्नलिज्म जितने भी लोग कर रहे हैं उनके लिए। उसके अलावा तीसरी चीज जो मुझे लगती है वो है टीआरपी की रेस। अगर हमारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस टीआरपी की दौड़ में ना भागें तो हमारी खबरें और बेहतर हो सकती हैं, हम इरिलेवेंट चीजों से दूर रहेंगे, हमें फिर स्वर्ग की सीढ़ियां या फिर एलियंस गाय को ले जा रहे हैं ये सब ऐसी कुछ खबरें नहीं देखने को मिलेंगी। हमें कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहां पे कभी कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हुई है, हमें शायद वहां से भी खबरें मिलने लग जाए अगर हम टीआरपी की रेस में ना भागे तो। टीआरपी कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिवनेस भी देती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉम्पिटिटिवनेस भी दे देती है, जिसकी वजह से हमें हाई कॉम्पिटेंसी की वजह से इतनी इररिलेवेंट चीजें मिलती हैं देखने को जिसका कोई हिसाब नहीं होता। और आखिरी चीज जो मुझे लगती है वो है हमारी गोदी मीडिया। हमारे देश में इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस में पैसा लगा रहे हैं फॉर द टेक्नोलॉजी, फॉर द मैन पावर, फॉर द रिसोर्सेज, फॉर द कंटेंट। तो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा मोटिव यह होना चाहिए कि उनको फैक्ट्स और ट्रूथफुल न्यूज प्रोवाइड करनी चाहिए। बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट हमें यह सिखाया गया है, मुझे ये सिखाया गया है कि सुयश अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं आपको अनबायस्ड होकर रिपोर्टिंग करनी है, आपको किसी का पक्ष नहीं लेना, आपको खबर जैसी आपको मिलती है आपको वैसे ही देनी है, आपको उसमें मिलावट नहीं करनी, मिर्च मसाला नहीं डालना है। अगर मेरे से कोई तहजीब में पेश नहीं आ रहा तो भी मेरा फर्ज यह बनता है कि मुझे उससे तहजीब में पेश आना है। तो ये चीजें हमें आज के दौर में देखने को नहीं मिलती। हमारे प्राइम टाइम हमारे डिबेट शोज ऐसे हो गए हैं जहां पे आपको हजार लोग एक साथ जुड़े हुए चिल्लाते हुए दिखेंगे, लेकिन जिस मुद्दे पे वो बात कर रहे होते हैं वो मुद्दा कहीं खो जाता है। आखिर तक अगर उस शो के हम जाएं तो उसका कभी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। तो ऐसी चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी चीजें ना करें, और हमारी अपनी ऑडियंस को हमें मीडिया लिटरेट बनाना बहुत जरूरी है। मीडिया लिटरेसी इज अ टर्म जो कि आजकल आया है हमारी मीडिया की हालत को देखते हुए। उसके अलावा अगर मैं कहूं कि बहुत बड़ा रोल है ऑडियंस का, अगर मैं कहूं ऑडियंस अगर मैं कुछ देख रहा हूं टीवी पे सपोज, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं टीआरपी के माध्यम से एक ऐसी खबर को ना जिताऊं या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ना जिताऊं जो बोगस खबरें दे रही है, जो बेकार खबरें दे रही है। तो यहाँ पे एक मीडिया लिटरेट ऑडियंस का होना बहुत जरूरी है और हमें फेक न्यूज से भी बचने की जरूरत है। कृपया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज से खबरें ना लें, सही जगह से खबरें लें और सोर्सेस को वेरीफाई करें। थैंक यू।